to Channel 1. Alliance Club of Kolkata City and Howrah Club organized an installation ceremony for the year 2024-25 at Akash Hotel on 23rd of June. Program was successfully conducted in the presence of Chief Guest District Governor Alai Radha Somani, Founder President Alai Satish Lakhotia, Master of Ceremony Alai Sandeep Chaudhary, Installation Officer Alai Sushil Agarwal, Guest of Honor VDG2 Alai Mayur Saha, PP Kolkata City Alai Rajesh Gupta, Mentor of Howrah Alai PD Khandelwal, Mentor of Kolkata City Alai Sudeep Agarwal, PIP Alai Kamal Lakhotia, President of ACI Howrah Alai ND Singh, Secretary Alai Suresh Jhunjhunwala, Treasurer Alai Manoj Sharma, from ACI Kolkata City President Alai Lalit Banthia, Secretary Alai Naveen Mohata, Treasurer Alai Ajay Kumar Nishania, Past District Governor and International Directors Alai Ramesh Gedia, Alai Rajesh Jadhav, Alai Anup Agarwal, Alai SP Somani were also present. Directors Alai SS Kabra, Alai Manisa Samtani and dignitaries from various Club District 101 and MCC East graced the occasion with their presence. Now let's see the whole installation ceremony from our channel, and don't forget to subscribe Channel 1 Digital Media. सजाने का, इसकी गरिमा बढ़ाने का और इस मंच में अतिथियों को आसन ग्रहण कराकर इस मंच में खुशबू बिखेरने का, आज के प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर और इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ एसीआई हावड़ा अलाय एनडी सिंह जी का जोरदार तालियों के साथ से अलाय अजय जी निशानिया और एसीआई हावड़ा से अलाय मनोज जी शर्मा दोनों ट्रेनर से निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और ये नवीन जी मोहता जो सेक्रेटरी बन रहे हैं 2024-25 के लिए, और एसीआई हावड़ा से अलाय सुरेश जी झुंझुनवाला से निवेदन करूंगा, प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें, प्लीज मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सज्जन इंसान हमारे VDG 2 अलाय मयूर जी साहब, जोरदार तालियों के साथ मयूर जी स्वागत स्वागत और सम्मान। अभी तक नहीं पहुंचे हैं हमारे बीच में वाइस प्रेसिडेंट वन अलाय सुशील जी अग्रवाल जी से, प्लीज मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और पास्ट इंटरनेशनल प्रेसिडेंट अलाय कमल जी लाखोटिया, प्लीज मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें, उसको सुसज्जित करें। कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अलाय राधा जी सोमानी को मंच पर बुलाकर मंच को सुशोभित और सुसज्जित करने के लिए एक बार खड़े होकर के उनका जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिनंदन करें। सतीश जी लाखोटिया हमारे बहुत पानी से नहाता है, जो व्यक्ति पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, और आप जैसे व्यक्ति जो अपना पसीना बहाता है वो इतिहास बदलता है। आज के हमारे इस कार्यक्रम के इंस्टॉलेशन ऑफिस हमारे इंटरनेशनल डायरेक्टरी कोऑर्डिनेटर अलाय एसपी सोमानी जी का स्वागत और सम्मान कर रहे हैं साथ जी में हमारे पास्ट इंटरनेशनल
क्या गाइडेंस दिया था। हमारे अलाय भरत जी साहब अभिनेश नहीं आपको और दोनों जोरदार तालियां मंजू जी सिंह जुबीन जी ने आज के लिए जो कार्यक्रम आप देख रहे मातृभूमि की वंदना करते हैं एवं इसके प्रति समर्पण एवं सेवा भावना अभिव्यक्त करते हैं। इसके यश और गौरव की वृद्धि हेतु हम अपनी पूर्ण लगन निष्ठा एवं सेवा भावना से अच्छे कार्य करते हुए देश के नाम को उज्जवल रखेंगे और आस्था व्यक्त करते हुए संकल्प लेते हैं कि हम सेवा एवं बंधुत्व के दर्शन को विश्व शांति हेतु संस्थापित करने के लिए सचेष्ट रहेंगे। मैं अपने और अपने क्लब के सभी सदस्यों के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हमें आप अपार हर्ष हो रहा है कि आप सभी हमारे क्लब के नए बोर्ड के इंस्टॉलेशन सेरेमनी में पधारे। आप सभी ने यहाँ उपस्थित होकर हमारे आमंत्रण का मान रखा, इसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। जैसा आप सभी जानते हैं हावड़ा क्लब डिस्ट्रिक्ट 101 की पुरानी एवं एक्टिव क्लब है। हम समय समय पर सर्विस एक्टिविटीज एवं फेलोशिप कार्यक्रम करते रहते हैं। हमारे क्लब के डिस्ट्रिक्ट कि अन्य क्लबों से डिस्ट्रिक्ट से मल्टीपल से एवं इंटरनेशनल से हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता है और आशा करता हूँ कि यह सिलसिला जारी रहे। धन्य हुए आज तो हम मिट गए सारे अधियारे आँखों को बहुत सुकून मिला जो आप हमारे यहाँ पर आए। इसी विश्वास के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। सॉरी, जय किशन जी जयसवाल, एसीआई कोलकाता सिटी से। खुशी की बात है कि आज हमारे अलायंस के अंदर दो नए मेंबर्स ज्वाइन किए हैं। आप दोनों को पहले तो बहुत बहुत बधाइयां। देखिए, ये आपके लिए प्रिविलेज है, अलायंस का मेंबर होना एक प्रिविलेज है, क्योंकि कई क्लब है जहाँ पे आप एजेंट देके फॉर्म भर के सब्सक्रिप्शन देके आप मेंबर बन सकते हैं, लेकिन आपको तो जिसने स्पॉन्सर किया है, किसी किसी मेंबर ने स्पॉन्सर किया है, क्योंकि हमारे अलायंस में केवल मेंबर किसी को रिकमेंड करता है, स्पॉन्सर करता है, तभी उसको सदस्यता दी जाती है। और जिसने आपको स्पॉन्सर किया है उसने आप में दोनों में जरूर कुछ ना कुछ खूबियां पाई है, कुछ ना कुछ अच्छी चीज पाई है, अच्छी बातें पाई है। तो एक विश्व में सबसे तेजी गति से बढ़ने वाला क्लब है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, देशी नहीं है, जिसका कि हेडक्वार्टर कलकत्ता है। हमारे अलायंस क्लब 2008 में स्टार्ट हुआ था और इन 16 वर्षों में पहला से एक क्लब से हमने स्टार्ट किया था, आज 2000 से ज्यादा क्लब है और केवल भारत में नहीं, भारत के हर कोने में है,
लेकिन आज हमारी मौजूदगी पूरे देश में 23 कंट्रीज में, 23 देशों में हम बहुत सक्रिय काम कर रहे हैं सक्रिय रूप से। तो ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल का, हम क्या करते हैं, ये नाम जरूर अलायंस क्लब है लेकिन ये एक परिवार है, हम इसको अलायंस परिवार कहते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य है। सेकंड, आपने देखा एक एक करके लीडर्स को बुलाया गया था, मेन डैश पे बुलाया, एक एक करके हमारे जो और लीडर्स है उनको बुलाया गया था, उनको भी सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे लीडरशिप सीखने की बहुत बड़ा स्थान है, लीडरशिप के लिए लीडरशिप क्वालिटी के लिए एक अलग ढंग का होता है। हमारे लीडरशिप में ना पर्सनल डेवलपमेंट का स्कोप है। हम लोग फेलोशिप मीट बहुत करते हैं, थोड़ा सा शांत रखेंगे हम लोग। आपने देखा हम लोग मीटिंग करेंगे, एक प्रोग्राम हुआ, फॉर्मल प्रोग्राम के बाद में एक मिलना जुलना, गाना बजाना, खाना पीना, ये एक रहता है, अच्छी रूप से बॉन्डिंग अच्छी हो जाए उसके लिए हम लोग ज़्यादा फेलोशिप रखते हैं। फेलोशिप में हर महीने एक न एक एक्टिविटी रहती है, चाहे वो दिवाली मीट हो, हम लोग सब प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली हो, होली हो, 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, जितने तरह के प्रोग्राम होते हैं हम लोग सब सेलिब्रेट करते हैं, उससे हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है मेंबर्स की। उसके अलावा हम देश में जगह जगह घूमने भी जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे विदेश में हम लोगों ने 16 वर्ष में 53 टूर किए, 53 ट्रिप्स, 53 टूर हम लोग कर चुके हैं इंटरनेशनल लेवल में, जो कि हमारे देश से अलग 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 जगह से मेंबर्स आते हैं और हम लोग एक एक कंट्री विजिट करते हैं। 3 सितंबर को हम लोग जा रहे हैं बाकू, 68,300 रुपया चार्जेस है और वो 4 नाइट्स 5 डेज की ट्रिप है, अगर आपका भी इंटरेस्ट हो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे जो उद्देश्य है, आज इन उद्देश्य की वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड में सबसे तेजी गति से बढ़ रहा है। और आपको भी क्या करना है, आप मेंबर बने हैं, मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपकी नेक्स्ट 6 महीने जो भी एक्टिविटी होती है क्लब की, क्लब की हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कीजिए, चाहे वो सर्विस एक्टिविटी हो, चाहे वो फेलोशिप हो, चाहे गाने बजाने का प्रोग्राम या कुछ भी हो, हर महीने पार्टिसिपेट कीजिए। और एक आपको ओथ लेनी है तो हम ओथ में किस ढंग से हाथ रख के लेते हैं, यानी कि हम यहाँ कुछ मांगने नहीं आए, हम यहाँ पे जो भी सफल है हम कुछ देने आए हैं। बीइंग इम्प्रेस्ड बाय अलायंस क्लब्स इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेलोशिप एंड गुडविल, आई अपने नाम के लिए एक्सेप्ट द मेंबरशिप ऑफ दिस ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, आई विल ऑब्जर्व ऑल द रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड विल पार्टिसिपेट in all activities, celebrations and programs and also in meetings. At my best, I take pledge to contribute in achieving the aims and objectives of the organization. Thank you. So, aaj se aap guru ko hum alliance ka member ghoshit karte hain aur aaj se aap apne naam ke aage ally word use karenge, ally, ally mane bandhu, तो आप भी हमारे इस परिवार के सदस्य हो गए और आज से आप अलाई हो गए और अलाई का नाम लिख के बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। कुमार अग्रवाल वॉज बोर्न ऑन 23rd November 1957 एंड कंप्लीटेड इज ग्रेजुएशन विद इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड कंप्लीटेड एम ए इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड वॉज मैरिड ऑन 30th of November 1980 with Satyabhama and was blessed with two daughters. As of the dais, my friends, Master of Ceremony, Sandeep Ji, आपने मुझे कहा हमें दिल में रखिएगा, हम दिल में क्या, हमेशा अपने पास ही रखेंगे, दिल क्या चीज है उसके आगे बोलने की जरूरत नहीं है। भैया पास में कौन से रहते हैं, इस क्लब के बारे में बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये एक फेलोशिप क्लब है और बहुत अच्छा क्लब है, बहुत पुराना क्लब है। जब हमारा एलायंस क्लब बना था सबसे ये क्लब हमारे साथ है, इसके सारे जो मेंबर्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत पुराने जुड़े हुए, पहले एलायंस में थे बाद में यहाँ आ गए। एलायंस के बारे में सतीश जी ने अभी अभी इंट्रोडक्शन में इंडक्शन जब किया इन्होंने सबको बताया कि एलायंस क्लब क्या है, हम लोग कैसे इसमें आए, हमारा क्या मतलब है सर्विस
फेलोशिप लीडरशिप इसके बारे में पूरा बता दिया है। इसको फिर बता के कोई टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। आपकी ये बोर्ड जो कलकत्ता सिटी से अले संजय कनोडिया ईशान बेदी आप लोग सब यहाँ आइए प्लीज। तो एक्सपीरियंस पर्सन रमेश जी हैं, ये सब सभी जो लोग हैं आप लोग काफी कैसे किसी कंपनी को चलाया जाता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो भी आप लोगों को मालूम है। फिर भी डायरेक्टर्स ऑफ कंपनीज और डायरेक्टर ऑफ द अपने जो एलायंस क्लब है थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ऐसे कुछ नहीं है लेकिन थोड़ा सा है। आपको सभी बोर्ड मीटिंग अटेंड करनी है, क्लब की जो भी बोर्ड मीटिंग होगी उसको अटेंड करनी है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को बोर्ड को आपको सलाह देना है, आपको देखना है पैसे कैसे आ रहे हैं पैसे कैसे जा रहे हैं, तो किस काम को अच्छी तरह करेंगे, अगर करेंगे पेपर बोल दिए हाँ करेंगे। पीआरओ अर्णव सिंह विकास साहब आप लोग दोनों यहाँ आइए। पीआरओ थे क्या नहीं थे? आप लास्ट ईयर पीआरओ का काम देखे थे कैसे करता है नहीं करता है कैसे करते थे? नहीं ध्यान नहीं दिए। कितने साल से आप इस क्लब में? आपका काम है पर्सनल रिलेशन ऑफिसर, आपको हर मेंबर के साथ पर्सनल रिलेशन रखना पड़ेगा, हर मेंबर का बारे में आपको अच्छा जानकारी होनी पड़ेगी। बहुत अच्छा से करोगे मैं सोचता हूँ करोगे ऐसा कर मैं बाद में आपको। ट्रेडर मनोज शर्मा, अजय निशानिया ज्वाइंट ट्रेजर भी है क्या? तो ट्रेजरर बनाया गया है तो मैथमेटिक्स पूरा आना चाहिए। आपको कैसे फंड हैंडलिंग करेंगे इसके बारे में भी आइडिया अपनी बढ़ेगी। यू हैव टू बी श्योर बजट इज प्रपोज फॉर ईच एक्टिविटी योर क्लब अंडरटेक्स। फाइनेंशियल आपके जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगे उसमें ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं कोविड में इस पेरेंट में रख दिया उस कोविड में कर दिया, ऐसा नहीं, सब पूरा क्लियर कर। यू हैव टू जो भी मेंबर आपको तो देना पड़ेगा, आप जो भी खर्चा करो वाइटली खर्चा करोगे। ज्यादा और कुछ है नहीं। थैंक यू वेरी मच। तो आप ये काम अच्छा से करोगे तो भाई सबने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं अच्छे से काम करूंगा, कोई शायद कुछ रह तो नहीं है। बीइंग इलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ जो भी पोस्ट आपको मिला है अलायंस क्लब ऑफ जो भी क्लब है आपकी एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पोस्ट एंड हियर बाई टेक द प्लेस टू कीप द ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेसिंग विद द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज एंड कैपेसिटी एंड विल पार्टिसिपेट एज फार एज पॉसिबल इन ऑल सर्विस एक्टिविटीज मीटिंग्स एंड हेल्प टू मेंटेन डेकोरम टू रन द क्लब प्रॉपरली। नाउ यू आर इंस्टॉल्ड माई फ्रेंड्स। मैं प्रेसिडेंट दोनों प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर को कहूँ आप मेरे पास आए अपनी अपनी मैनुअल लेके जाएं और सभी जी को कहूँगा इनको टीम में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बहुत बहुत धन्यवाद सुशील भैया, बहुत ही सुंदर इंस्टॉलेशन आपने बहुत सुंदर तरीके से किया। अब मैं रिक्वेस्ट करूँ जोरदार तालियां दोनों प्रेसिडेंट्स के लिए। खुशबू जी वाटिया और मीना जी सिंह से निवेदन करूंगा प्लीज मंच पे आए अपना तालियां और जाने के लिए ताली सबूत के लिए निशानियां। बबीता जी के लिए He was born on 13 September 1976 in Rajgangpur and he completed his graduation in Kolkata University. He is privileged to get the full support from
his most beautiful wife alive, Khushbu Bhatia, and he's blessed with two children, Tanisha and Shubham. He is engaged in road chemical business, bitumen and byproducts. Whatever I came across since 9 years, that he is a gem of a person. Seriously, not because he is my brother-in-law, he is my jiju, but Sachin, he has a great sense of humor and is always ready to help everyone. And jab bhi ghar aate hai na, to ekdam mahol hi hum log ka badal jata hai. Seriously. And when he's in the introduction, and you and your team for this kitchen. Thank you. The president like NDCT ka introduction dene ke liye main call karna chahunga ECG Singh ko. Thank you, everyone. First of all, I'd like to thank you for giving me this opportunity to come here and speak on behalf of my guys. Dekhiye, father and son ka jo ek relation hota hai, उस रिलेशन में चाहे आपस में कितने भी प्यार हो, एक दूसरे के लिए कितना भी रेस्पेक्ट हो, बट जब उसे उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने की बात आती है तो दोनों ही लोग नहीं कर पाते. ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. तो इस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए आज मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली और इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ आप सभी. ये हमेशा मेरे रोल मॉडल रहे, मेरे हीरो हैं और एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है. मैं अपने बच्चों के लिए भी अपने फादर जैसा ही फादर बनना चाहता हूं. मेरे फादर ने बहुत ही यंग एज से परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू कर दी थी और इन्होंने अपने फादर, मेरे ग्रैंडफादर को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चालू कर दिया था. एक दौर ऐसा भी था जब ये सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के अराउंड 4:35 उठ करके सुबह पहले काम पे जाते थे जिससे कि कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कर सके एंड अपने फादर को सपोर्ट कर सके क्योंकि इन्हें बहुत बड़ा परिवार चलाना था. और उसके बाद कॉलेज भी अटेंड करते थे. आज ये आपके सामने एक सफल बिजनेसमैन के रूप में खड़े हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में, बट इन सफलता के पीछे इनके खुद की मेहनत, खुद का लगन और मेरी माँ का सपोर्ट रहा है. आज इनमें सबसे अच्छी बात मुझे जो लगती है वो इतने अचीवमेंट करने के बाद भी वो अपने परिवार को आज भी अपने साथ में लेके चलते हैं, उनके सब दुख सुख में साथ रहते हैं. और परिवार हम आज भी एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, which is a very rare thing these days. और हमारे परिवार का हर एक सदस्य जानता है कि चाहे कैसी भी धूप गर्मी बरसात क्यों ना, उनके पास एक ऐसा छत है जो उनके लिए मजबूती से खड़ा है और उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है. हम दो भाई हैं, हम दोनों भाई अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड महसूस करते हैं कि हमें ऐसे माँ बाप मिले जो हमारी हर खुशियां हर ख्वाहिशों को पूरा किए जाए और आज भी करते आ रहे हैं. आज मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा. मेरे फादर ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज ही वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट फादर, जो कि अब नहीं है. और इनकी इसी स्ट्रिक्टनेस का नतीजा है और मेरी मदर का, मेरी माँ का ब्लेसिंग है कि हम लोग दोनों अपने अपने फील्ड में सेटल्ड हैं. आई एम वर्किंग एज अ कंट्री हेड इन पोलर इलेक्ट्रिक. And my brother is working as a senior manager in Bank of Baroda. With these things, I would like to conclude my speech here and would like to introduce my papa, Sir Nardeshwar Singh Ji, as the president of our national. Excellent. Now, the Nirvachit President Andy Singh Ji. और उसके बाद ललित जी भाटिया जी से निवेदन करूंगा कि अपना अपना एक्सेप्टेंस स्पीच दे. और हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एलआई राधा जी शमानी, फाउंडर प्रेसिडेंट एलआई सतीश जी लाकोटिया, एलआई सुशील जी अग्रवाल, इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट वन
और हमारे इंस्टॉलेशन ऑफिसर और मंच पर आसीन एवं इस सभा स्थल पर उपस्थित सभी विशिष्ट पदाधिकारी एवं मेरे एलाइन साथी। सबसे पहले मैं हमारे हावड़ा क्लब का सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रखकर एक बार फिर मेरे हाथों में क्लब की कमान वर्ष 2024-25 की बात को सौंपी। मैं और मेरी टीम आप सभी को एक विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी वाणी से, मेरे कर्मों से और मेरे व्यवहार से आप सभी के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। हमारी हावड़ा क्लब डिस्ट्रिक्ट 101 से सेवा कार्य एवं फेलोशिप में अपना अग्रणी स्थान रखती है, आगे भी यही सिलसिला जारी रहेगा। कोलकाता सिटी के प्रेसिडेंट ललित जी भाटिया से। गुड इवनिंग डिग्निटीज सिटिंग ऑन द डाइस, डिग्निटीज प्रेजेंट इन द हाउस एंड ऑल माय फ्रेंड्स। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर टू मी दैट आई हैव बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ माय आवर क्लब 2024-25, व्हिच इज अ ग्रेट ऑनर टू मी। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल माय क्लब मेंबर्स फॉर बेस्टोइंग देयर फेथ एंड कॉन्फिडेंस टू मी। I accept the post of president and ensure that with the guidance and support of senior members of our club, I will do my best with my team and take the club in a new height. Thank you for all your presence and making the installation successful. Thank you. Lalit ji Bhatia, acceptance fee saab ka sort tha. Ab main request karunga ki दोनों जो नवनियुक्त प्रेसिडेंट हुए हैं उनका क्लब के मेंबर्स एक बार थोड़ा सा फेलिसिटेशन कर दें। वाह क्या बात है। निर्वाचित अध्यक्ष अलाई एनडी सिंह और अलाई भाटिया जी को बहुत बहुत बधाई, केवल आप दोनों को नहीं पूरे नए बोर्ड को बहुत बहुत बधाई। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप दोनों और आपका जो बोर्ड अभी शपथ दिया है, क्योंकि मैं सबको प्रयास से जानता हूँ और पिछले कई वर्षों से एक्टिविटीज देखा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका ये साल 24-25 बहुत ही गौरवमय रहेगा। बहुत बहुत बधाई आप। सभी को नमस्ते। कोई जवाब नहीं है। बच्चों प्रेसिडेंट बने हैं सिंह साहब, एनडी सिंह और ललित जी भाटिया, आप दोनों को पत्नी सहित बहुत बहुत बधाई 24-25 एलाइनिस्टिक ईयर के लिए, और आपकी टीम को भी बहुत बधाई, और दो नए मेंबर्स भी बने उनको भी बहुत बधाई। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, आपके बेटे ने और आपकी साला है, इन्हें बहुत जबरदस्त इंट्रोडक्शन दिया आप दोनों का। डायस पे बैठे हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट सतीश जी, को फाउंडर कमल जी, इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट सुशील जी, अदर डिग्निटरीज ऑन द डायस ऑन द डायस। अब मैं अपने गोल्स बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि इसमें कई मैंने डिसाइड किए हैं। एक तो है मेन मेंबरशिप ग्रोथ, जो कि आपने आज प्रूव कर दिया दो नए मेंबर्स बना के, कि अब कम से कम दो और ज्यादा खुले, मतलब पहले दो थे, दो खुल चुके और दो तीन खुले तो ज्यादा मजा आएगा। आई ऑपरेशंस 300, वाटर प्रोजेक्ट मिनिमम 5, ब्लड डोनेशन मिनिमम 500 यूनिट, ट्री प्लांटेशन 500, अभी भी शायद जागृति ने किया ना, संस्कार ने जागृति ने किया, सुबह कैंप मिनिमम 2 वो भी हुआ था अपना, सेमिनार्स 3, डोमेस्टिक टूर 1, इंटरनेशनल टूर 1, परमानेंट प्रोजेक्ट 2 नए प्रोजेक्ट मैं मिनिमम चाहती हूँ।
से ज्यादा भी कर सकते हैं, उसको लिमिट भी क्रॉस कर सकते हैं। मेरे पहले तो मैं बता दूं कि मेरा डिस्ट्रिक्ट का स्लोगन है बी गुड डू। इसमें जब हम अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा ही मिलता है, जब हम खराब करते हैं तो हमें भी वही भुगतना पड़ता है। आदमी था जो जिसके पास रोजगार नहीं था, वो रोज बहुत गरीब था और अपने घर में कभी भी मतलब सब्जी से रोटी खा ही नहीं पाता था। तलाश में एक बार ट्रेन में जाता है तो उसकी वाइफ ने उसको रोटी बांध के दे दी, सब्जी का तो सवाल ही नहीं था। थक गया, भूख लगी, टिफिन खोल के खाना शुरू किया, एक हाथ में बाइट है रोटी तोड़ा हुआ और टिफिन में लगा के खा रहा है दूसरे टिफिन से। पैसेंजर्स उसको देख रहे हैं कि दूसरा टिफिन तो एकदम खाली है, ये लगा क्या रहा है? उनको समझ में नहीं आया कि लगा क्या रहा है। खाता रहा एक से रहा नहीं गया। उसने पूछा, अरे भैया तुम इसमें लगा क्या रहे हो, उसमें तो कुछ है ही नहीं। तो बोला मैं अचार लगा रहा हूँ रोटी के साथ। बोले कहाँ है अचार? बोले ये देखिए टिफिन में अचार है। बोले इसमें तो कुछ भी नहीं है। बोले नहीं, मैं मन में सोच रहा हूँ कि इसमें अचार है और मैं उसको लगा के खा रहा हूँ तो मुझे अचार का, बोले आपको टेस्ट आ रहा है? बोले हाँ टेस्ट भी आ रहा है मुझे अचार का, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो दूसरा पैसेंजर बोला, तो आपने अचार ही क्यों सोचा, जब आपको अचार का टेस्ट आ रहा है तो मटर पनीर भी सोच सकते थे, शाही गोभी भी सोच सकते थे। बोला हाँ सोच सकता, कहने का मतलब ये है कि आप सोच ऊंची रखो, आपने अचार ही क्यों सोचा, आप उससे ऊंचा भी सोच सकते थे। ऊंची सोच रखो, बड़ी सोच रखो, अच्छी सोच रखो तो आपके कॉन्टेक्ट में भी अच्छे लोग रहेंगे। एम्प्लॉयमेंट सेल्फ डिपेंडेंट, जो भी गरीब मतलब लोग गरीब नहीं बोलना चाहिए, कई बार क्या होता है क्वालिफाइड होता आदमी पर उनके पास रोजगार नहीं होता है या उनमें कुछ क्वालिटीज होती है पर वो कमा खाने लायक कैपेबिलिटी नहीं होती है। वो वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा आप ट्रेन करवा सकते हैं ताकि वो अपनी रोटी कमा के खा सके। ग्रीन ब्रीथ क्लीन, गो ग्रीन ब्रीथ क्लीन। जीवन में अपने लिए शुद्ध हवा पानी खाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो अपने दुनिया की हालत हो रही, सिर्फ भारत की नहीं, के पेड़ कटते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग होता जा रहा है, भारत में आज 500 करोड़ पेड़ों की जरूरत है, हम 150 लगा के ही खुश हो जा रहे हैं। अभी यादव जी ने एक सजेशन दिया कि हजारों की तादाद में लगाइए, तो मैं उनसे बात करने वाली। मैंने अपने टारगेट में भी बोला था, आपने करके भी दिखाया, शायद 7-8 मेंबर आज बढ़े हैं, उम्मीद है ये मल्टीप्लाई होते रहेंगे। थैंक यू मैम, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके गोल्स को पूरा करने में पूरी ताकत लगाए। शुक्र है अभी नहीं, गुड नाइट नहीं बोला। बधाई देती हूँ एंडी जी को और हमारे भाटिया जी को और इनके बगल में बैठे दो खूबसूरत महिलाओं को, और आपके ऊपर में बहुत अच्छी लग रही है माला, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। या तो आप शादी में ऐसे सजे होंगे या 25वीं में और अलायंस का लीडर ऑफ द क्लब, आपने मुझे सुनना है तो मैं वही तो कहूंगी जो मैंने देखा है ना। देखिए अगर वो बात कहो जो दिल तक जाए तो मजा आता है, और नहीं तो ये जो हमारे बैठे हुए हैं ना, ये मेरे टीचर हैं, ये मुझे अंक कम देंगे, ठीक है ना। तो मैं देख रही थी आज बहुत मजा आ रहा था, आज जैसा कभी मजा ही नहीं आता है, तरह तरह के सीरियल के सवाल चल रहे थे, तरह तरह के सीरियल, इधर में इंस्टॉलेशन, उधर में पंचायत। मुझे लगता है, और पता है पंचायत में मैं भी शामिल होना चाहती थी, मैं भी शामिल होना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कोई बोल रहा है पंचायत का डायलॉग, कोई शायद है ना आज अच्छी साड़ी खरीद के लाया है उसकी बात कर रहा था, और कोई सताया हुआ होगा नौकर का वो भी दैया का रोना रो रहा था, लेकिन मैंने देखा यहाँ कुछ ना कुछ चल रहा था। फिर यहाँ से कुछ लोग आए अभी आए तो मैं इस पेशो पेश पे पड़ गई कि मैं जल्दी क्यों आई।
आ रही थी, मैंने इन लोगों को भी बोला, राधा जी जब बोल रही थी मुझे इतना मजा आया, हमारे सुदीप जी जो आज छूट के चेयरमैन है, कुछ लोगों को बोला खा लो खा लो पूछ के खा लो रामारिया ने बोला बहुत अच्छे हैं मेरे अलायंस टीम के मेंबर, बहुत अच्छे हैं। और वो देखो बात ये है ना कि भाई टाइम निश्चित कर दो इंस्टॉलेशन का, यो हमारे मेंबर परेशान नहीं हो सकते, आप एक घंटा निश्चित कर दो, एक घंटा तक तो मैं इनको कह सकती हूँ कि तुम चुप रहो, उसके बाद कहीं चुप नहीं रह सकते, खजाना इतना है ना अंदर और मौका नहीं मिलता, तो आज मौका मिला है तो क्या क्या औरतें क्या आदमी, मैंने सबको नोट किया है। और मैं बात पता है सोच रही थी एक नई बात कि मैं स्नेहा को बोलूं कि तू मेरा इंटरव्यू लेके मेरा क्यों लेती है, उधर जाना उधर अच्छा इंटरव्यू मिल जाएगा तुमको, मसाला बहुत मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो हुई मजाक की बात, पर आप इसको मजाक की तरह मत लीजिएगा, मैंने एक एक की चिट्ठी खोली है और उसका उत्तर दिया है, मजाक नहीं है ये, मैंने आपको मजाक मजाक में ये बताया है कि आज के दिन डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा थी, बट आई एंजॉय बिकॉज इट्स माई नेचर, आई एंजॉय एवरीथिंग, आपने ये सब किया मेरी स्पीच बन गई सब बोल रहे हैं। तो दोस्तों में हम खाली सेलिब्रेशन के लिए तो नहीं आए हैं, हम इकट्ठा होने के लिए हंसने के लिए भी नहीं आए हैं, हमको हर समय कुछ ना कुछ नई चीज़ लेकर जानी चाहिए। एक जो कभी तुरंत याद आ गया ओशो का है, ओशो भी बहुत मजा किया बहुत मजा किया, तो उसको ओशो के एक हास्य जोक में था कि एक सदानंद नाम का आदमी था, उसके पास में यूएसआई आया, यूएसआई आप पूछ सकते हैं ये मेरा दिया हुआ नाम है, सदानंद भी मेरा दिया हुआ नाम है, सदानंद मतलब हमेशा जो आनंद में रहे, आप सभी सदानंद हो हमेशा आनंद में रहने वाले, और यूएसआई का मतलब है उदासी समाज का एक इंडिविजुअल, यूएसआई। तो यूएसआई आया सदानंद के पास में और कहने लगा कि आप मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए। बोले क्या समस्या है? बोले मेरा पड़ोसी है ना रोज एक ही बात करता है, रोज एक ही बात करता है, और मेरा पड़ोसी है इसलिए मैं उसको भगा भी नहीं सकता हूँ, तो मुझे उसका सुनना पड़ता है, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो बैठा हुआ था तो जो किया होगा मेरी ही तरह, उसके बगल में एक जो जैसे दादा के पास में ना छड़ी वैसी छड़ी थी और उनके जैसी एक हैट थी, आपके जैसे थी एक छड़ी थी, बोले मेरी तरह, बोले इससे क्या होगा, बोले इसमें राजनीति है कूटनीति है और उपाय है समझ है, उसको समझ में नहीं आया इसमें है क्या भाई। तो बोला देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आया जो मेरे काम का है तो मैं बोलूँगा आइए बैठिए, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति आया जो मेरे काम का नहीं है तो मैं छड़ी उठाऊँगा टोपी पहनूँगा और बोलूँगा नमस्ते जी मुझे कहीं और जाना है। तो ये ऐसा ऐसे भी जोक होते हैं ये ओशो से मैंने सुना। एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ शायद वो आपका जीवन बदल दे। वो ऐसा है कि एक बार मैं देख रही हूँ अभी कोई पंचायत नहीं चल रही है, अभी तुम लोग सुन रहे हो है ना, आपको ध्यान से सुन रहे हैं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बात ऐसी है कि हंसने से हंसाने से ये लोग अंदर में शांत हो जाते हैं तृप्त हो जाते हैं। बच्चा था वो बहुत गुस्सा उसको आता था, उसकी माँ परेशान हो गई और एक साइकोलॉजी के डॉक्टर के पास गए। तो साइकोलॉजी का डॉक्टर बोला ठीक है इसको गुस्सा आता है तो तुम इसको इस बच्ची को मैं हर एक गुस्से के साथ में एक बोर्ड देता हूँ, बोर्ड के अंदर में बोला कि वो कील्ट हो, जितनी बार गुस्सा उसको आए उतनी बार कील्ट हो देना। अब ये काम उसको मिल गया, बच्ची परेशान
कि गुस्सा आए तो गुस्सा निकालने की जगह मुझे कील ठोकने जाना पड़ रहा है। तो उसको एक महीने में उसने कील ठोकी और गुस्सा उसका थम गया। तो बड़ा उसका गुस्सा जैसे थोड़ा माँ बड़ी आश्वस्त हुई, वापस डॉक्टर के पास में गई। इस बार डॉक्टर ने कहा इस बच्ची को बोलो कि जितनी बार अब गुस्सा आए एक कील निकाल दे। तो एक महीना वो कार्यक्रम चला, तो दो महीने में बच्चे का गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि वो एक गुस्सा आए उस मोमेंट उसको कील ठोकनी है, गुस्सा आए उस मोमेंट उसको कील निकालनी है। तो ऐसे करके जब वो फिर तीसरी बार जब डॉक्टर के पास में गया तो डॉक्टर घर पे आई और बोली कि वो जगह बताओ जहाँ पर ये कील ठोकती थी और निकालती थी। तो माँ उसे उधर लेके गई, तो उस बच्चे से डॉक्टर ने पूछा कि अभी तुम इस पर क्या देखते हो? तो बोला कुछ नहीं देखती हूँ, सिर्फ निशान देखती हूँ कि मैंने कितनी गलतियाँ की। तो दोस्तों इस कहानी का यही है, देखिए गलती सबसे होगी, परंतु चार लाइनों में आप समझिएगा, जो हुआ उसकी समीक्षा, जो हुआ उसकी समीक्षा तुम सदा करते रहो, हो रही सबकी परीक्षा हौसला धरते रहो। है समय अनमोल प्यारे, है समय अनमोल प्यारे, व्यर्थ तुम जो खो रहे हो, हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो। कमल भाभी आपका, आपको सब लोग बहुत सचमुच में बहुत, एक पंचायत चल रही थी आप बांधने की, I just take 2 minutes of your time. First of all, let me wish Mr. Ali Andy Singh and Lalit Bhatia his team good luck for this coming year. Or when I entered today, Kamalji asked me one question. कि आज हर मीटिंग, आजकल हर मीटिंग में आपको फ्रीक्वेंटली क्यों देखते हैं? माई आंसर वॉज सिंपल, एक्चुअली आई डिड नॉट हैव टाइम टू आंसर बिकॉज शी वॉज बिजी, बट मैं एवरी टाइम मानता हूँ कि अलायंस की हर मीटिंग में हम जाते हैं तो कुछ नया सीखते हैं। आज जो एंडी सिंह के सर ने जो स्पीच दिया, इट वॉज स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, वेरी नाइस स्पीच। एंड हर मीटिंग में अलायंस में इट्स लाइक अ लर्निंग कर्व, हम लोग जितना भी जानते हैं लेकिन कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं। सो दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अलायंस। लास्टली आई वुड लाइक टू से कि हमारे सुधीर जी ने 2 मीटिंग्स में देखे, इतना शायरी बोलते हैं, इतना बढ़िया बोलते हैं, कीप्स द मीटिंग गोइंग। एक आपके लिए हमने रोजी है, आई जस्ट लाइक 2 मिनट्स, आई हैव टू लुक फॉर इट, बट दुनिया में बहुत दोस्त मिलेंगे, सच्चे दोस्त कम मिलेंगे, दुनिया में बहुत दोस्त मिलेंगे, सच मानो अच्छे दोस्त कम मिलेंगे। जिस बोर्ड पे सब साथ छोड़ देंगे उस मोड़ पे खड़े हम मिलेंगे। लाइन मनोज जी की बजाय आएगी, मैंने कल को भी सुना है कि मित्र वो गालियां देते मितेश जी सारे सब भाइयों के लिए बहुत प्रेमी है, लोग बहुत प्रेमी है। सुबीर जी गोस्वामी सुनीता जी जैन का स्वागत कर रही है, सुनीता जी पटेल द्वारा और हम सब ने तो पर हमें तो कोलकाता सिटी और हमराना का इंस्टॉलेशन हो मोहम्मद नहीं गुरु ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरी दोनों ही क्लब मेरी अपनी क्लब है। तो मैं सबसे पहले ललित जी पांड्या और एंडी सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, देता हूँ और आशा करता हूँ उनका नया वर्ष पूर्ण रूप से सफल रहे।
हमारा पूरा परिवार है, इसलिए आप बोले ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए मैं खड़ा हुआ बोलने के लिए, नहीं तो मेरे को लग रहा था टाइम बहुत कम है। जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हालांकि मेरे को रोज सुबह मिलते हैं, उस समय मैं बधाई देता हूँ, लेकिन आज स्पेशल बधाई आप लोग और ललित जी भाटिया और खुशबू जी सबको मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत बधाई, भगवान आपका साथ पूरा अच्छा से निकाले। बोर्ड ऑफ टैक्स के पहले जो ऋषि ने अटली सिंह जी का जो परिचय दिया, तो उस परिचय के ऊपर मैं चार लाइन बोलना चाहता हूँ। न हारते हैं वक्त से, न जीतते हैं वक्त से, न हारते हैं वक्त से, न जीतते हैं वक्त से, सफल वही होते हैं जो सीखते हैं वक्त से। वोट ऑफ थैंक्स सबसे अच्छा होता है, ये लगता पिट चुका। आई एम प्लीज्ड टू स्टैंड बिफोर यू गिव माय वोट ऑफ थैंक्स आई ऑन माय ओन एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ अलायंस क्लब ऑफ हावड़ा एंड अलायंस क्लब ऑफ कोलकाता सिटी। एक्सटेंड माय हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू ऑल द एस्टीम्ड गेस्ट who has accepted our invitation and come here and with us. Since today is Sunday, I am not running out of their busy schedule. Today, we being a Sunday, we have given them an opportunity to utilize their Sunday fruit. With these words, I would like to give special thanks to our district governor and today's chief guest, Lai Radha Somani ji, today's installation officer and BP1 Lai Sushil Agarwal ji, today's chief speaker and our founder president Lai Satish Lakhotia ji. I give you a special vote of thanks for accepting our invitation and discharging your job given by our club. I will be failing in my duty if I do not recognize the efforts of Anuradha, Amit and Nikhil Khandelwal, who has worked tirelessly to provide the hospitality in today's program. I also like to extend vote of thanks to the team Akash Hotel and Food Store. Please join us for a dinner. Thank you. क्या कुछ गोल आपने रखा है प्रेसिडेंट बनने के बाद, आपने कुछ गोल्स आपने जो डिसाइड किया हमें बताया। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि इस साल बहुत ही अच्छे से मैं मेरा जितना भी काम है फैसिलिटी के हिसाब से अच्छा से काम करूँ। मेरे मेंबर जो मुझे ये भरोसा किया है, मैं चाहता हूँ कि उनको ये करके दिखाऊँ। अलायंस क्लब ऑफ कोलकाता सिटी का आगे नाम बहुत प्रोग्रेस है और तय दिल से मैं सबका शुक्रिया करता हूँ। सब आए और इंस्टॉलेशन बहुत अच्छे तरीके से। आपका नाम? ललित कुमार पाटिल, प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता सिटी। बहुत खुशी की बात है, दोनों क्लब का आज इंस्टॉलेशन हुआ, हावड़ा क्लब का सिटी, दोनों ही बहुत पुरानी क्लब है और बहुत अच्छे क्लब है। मेंबर्स भी बहुत सक्रिय है और मुझे पूरा विश्वास है दोनों प्रेसिडेंट और बहुत अच्छा कार्य किया। मैं दोनों क्लब के प्रेसिडेंट को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ 2024-25 के लिए
और उनका ये पूरा ये साल बहुत अच्छा रहे और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करें और बुलंदियों पे पहुंचे, इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं विकास जन करूँ। क्लब्स का आपस में रिलेशन बना रहे, हम लोग मिलकर प्रोजेक्ट करें।